खबर चमोली से है, जहां बीते 6 महीने से अपनी लंबित मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक और उपनिरीक्षक पुलिस कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं कार्य बहिष्कार के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, जिले के राजस्व क्षेत्रों में पुलिस कार्य ठप पड़ा है। मामले को देखते हुए राजस्व पुलिस में नायब तहसीलदारों की कमी के कारण जिलाधिकारी चमोली ने आज बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि जनहित में कानून व्यवस्था को देखते हुए राजस्व क्षेत्रों के सभी पुलिस कार्य अब नियमित पुलिस को दिए गए हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। राजस्व पुलिस के जो लंबित कार्य हैं और उसमें जो एक कार्य बढ़ता जा रहा था और योजनाओं में विलंब होने के कारण एक टेम्प्ररी आदेश हमारे स्तर से निर्गत किया गया है कि जब तक इसका निस्तारण शासन स्तर पर नहीं होता है, तब तक के लिए जो कोई भी अपराध राजस्व क्षेत्र में घटित होते हैं तो वह नियमित पुलिस के द्वारा उसका निर्मूलन किया।